एथलीट्स, हमने हरियाणा कमांडो हाई जंप के बारे में बात कर चुके हैं और क्लियर भी हो गया होगा सभी का लगभग। तो आज हम एक बार फिर से आए हैं और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। और ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का मेरा कोई मकसद नहीं होता क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप तक अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। हेलो एथलीट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SJ फिटनेस फाइटर्स पर, जहां पर हम जिम और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं। और आज हम डाइट के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं कि आपको क्या डाइट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो एथलीट्स, आज हम बात करेंगे हरियाणा कमांडो के 2 किलोमीटर जो रनिंग है उसके डाइट के बारे में। उस रनिंग की टिप्स के बारे में हमने बात कर चुकी थी पिछले वीडियो में और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज हम बात करेंगे डाइट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा हार्ड डाइट नहीं बताऊंगा, जो आपको अवेलेबल हो सके, जो आपके घर में आसानी से मिल सके, वही डाइट मैं बताऊंगा। तो एथलीट्स, आप जब ट्रेनिंग करके घर जाते हैं तो आपकी सबसे पहली मील रहेगी 2 बनाना, 40 ग्राम ओट्स, वो किसी भी शॉप या मार्केट में मिल जाएंगे। और नंबर 3 है 250 ml मिल्क और नंबर 4 है पीनट बटर की 1 या 2 स्पून डाल सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास प्रोटीन कोई भी अगर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इन सभी को आप अच्छे से ग्राइंड करके और शेक बनाकर आप वो ले सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। अच्छा खासा प्रोटीन, कार्ब्स और फैट भी अच्छा मिलेगा, तो आप ये ज़रूर ट्राई करें। सेकंड नंबर की मील आपकी रहेगी दलिया, जो जिसको ओट्स मील भी बोलते हैं। तो ये आप 50-60 ग्राम मिल्क के अंदर आप बनवा सकते हैं या बना सकते हैं और इसमें थोड़ा बहुत आप स्वीट वगैरह डाल सकते हैं। थर्ड नंबर की आपकी मील रहेगी वाइट एग्स, 3 या 4 ले सकते हैं आप। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो लीजिए, अगर आपके पास नहीं हो सकते तो इससे भी अच्छी मैं एक डाइट बता सकता हूँ आपको, वो है पनीर चीज़। ये आप ले सकते हैं, घर पर बना सकते हैं या शॉप पर परचेज कर सकते हैं। ये आपको 60 ग्राम या 50 ग्राम खा सकते हैं, काफ़ी हो जाएगा। ये वेट भी अच्छा गेन करेगा, गुड फैट है और बैलेंस मील बता रहा हूँ। अगर आप 2 से 3 बार वीक में मूंग की दाल का अगर चीला बना सकते हैं तो वो भी आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि 100 ग्राम मूंग में लगभग 25-24 ग्राम प्रोटीन होता है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। मील है आपकी चीज़ जो कि पनीर है, वो आप 50 से 60 ग्राम ले सकते हैं, रोज़ ले सकते हैं, रोज़ नहीं तो एक छोड़े एक दिन आप ज़रूर ले सकते हैं। आपका आता है लंच, लंच में आप 2 से 3 रोटी खा सकते हैं और चावल वगैरह खा सकते हैं, और सोया चंक्स आते हैं मार्केट में तो उसकी सब्ज़ी अगर आप खाएं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसमें अच्छा खासा प्रोटीन होता है। जैसे अगर आप 50 ग्राम सोया चंक्स की सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें 25 ग्राम आपको प्रोटीन आराम से मिल जाएगा, और आप सैलेड वगैरह भी ऐड कर सकते हैं दोपहर में। कोई भी सब्ज़ी छोले की या राजमा जो भी है अवेलेबल वो ही ले, ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। डिनर, डिनर में भी कोई ख़ास डाइट नहीं है, बस आप इसमें से राइस हटा सकते हैं और जो आपकी ये डाइट है ऐसे ही चलती रहेगी। और मिल्क वगैरह आप लेते रहिए अलग से। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अपना नॉन वेज वगैरह कहीं से भी आप ले सकते हैं। मैंने आपको डाइट के बारे में बता दिया है, ज़्यादा एक्सपेंसिव डाइट नहीं है, मुश्किल से 300-400 रुपये का खर्चा आएगा महीने का, क्योंकि आपका फिजिकल है तो आपको एक अच्छी डाइट लेनी बहुत ज़रूरी है। और आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसा रिजल्ट मिला है और क्या इन्फॉर्मेटिव जो मैंने ये टिप्स बताई है पिछले वीडियो में और जो अब बता रहा हूँ डाइट के बारे में, इससे आपको क्या बेनिफिट हुआ है। थैंक यू सो मच।